नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ के जैनपुर में बीती रात में मॉडर्न एरा स्कूल में पहुंचे प्रदेश के नगर निकाय व ऊर्जा मंत्री यूके शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में अजर्जर विद्युत तारों के मरम्मत व नवीनीकरण को लेकर 17,000 करोड़ के बजट के साथ दुरुस्त करने कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन बढ़ा है, जबकि लाइन लॉस समेत अन्य घाटा होता था। अगर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है, इसमें 6 अप्रैल की शाम 6 बजे तक आपत्ति दाखिल की जा सकती है। इसके बाद आरक्षण की सूची चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि कितने चरणों में कब कब चुनाव कराना है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 28-30% आबादी नगर निकायों में रहती है, जबकि प्रदेश के अर्थतंत्र का 65% योगदान नगर निकायों का होता है। इसलिए नगर निकायों को विश्व के किसी भी नगर के समकक्ष बनाने को लेकर नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है, इनको और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसमें आपत्ति के बाद चुनाव होना है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री यूके शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया गया है। इस दौरान प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा है और इसमें होने वाला खर्च घटा है। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ। उनके 6 वर्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छे कामों की उपलब्धियां हुई हैं, बहुत अच्छे कामों की शुरुआत हुई है। पिछला जो एक साल उनके जो द्वितीय कार्यकाल का जो पिछला एक साल गया है, उस कार्यकाल में भी हमने उनकी योजनाओं को, उनकी जो मंशा थी, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारे जो दोनों विभाग हैं उनमें बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ है। अभी मैं रास्ते में था तभी मुझे जानकारी हमारे विभाग के लोगों ने दिया, इस वर्ष मतलब जो गया वर्ष हुआ है उसमें जो बिजली का उत्पादन हुआ है, वो अभी हम प्रेस नोट आप लोगों को भिजवा रहे हैं, लेकिन जो बिजली का उत्पादन हुआ है वो पिछली साल की अपेक्षा 13% से ज्यादा अधिक हुआ है। इतना ही नहीं, पिछला जो रिकॉर्ड था वो भी टूटा है। 39,000 से ऊपर मिलियन यूनिट्स का हमारा उनका बिजली का रिकॉर्ड। तो इस प्रकार के कई क्षेत्रों में एक तरफ हमारा प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा जो ATC लॉस जिसको बोलते हैं, टेक्निकल और कमर्शियल लॉस जो है वो घटा है। तो इस प्रकार जो अच्छी चीजें थी उनको बढ़ोतरी हुई है, जो कमियां थी उनको घटाने का काम हुआ है। कुल मिलाकर के हमारे प्रशासन में, ऊर्जा विभाग के प्रशासन में बहुत ही सक्षम कार्य हुआ है। उसी प्रकार नगर निकायों में भी आप देख सकते हैं कि दैनिक सुबह 5 बजे से उठकर के 8 बजे तक के बीच में हमारे मैन और मशीन, मनुष्य और मशीन दोनों के सामंजस्य से अच्छा कार्य हो रहा है। मैं सभी अपने नगर विकास के कर्मियों को, ऊर्जा विभाग के कर्मियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। सर, एक बात जिस तरह से सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी और जगह जगह मनाया गया था, तो जिस तरीके से कहीं भी इस तरीके की पूरे उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं सुनी है, बाकी लोगों बले रही है, इसको लेकर आपकी तैयारियां बिजली कटौती बहुत रही की इससे ज्यादा होती है। पहली बात तो ये कि जहां भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहां मंगल ही मंगल होता है, वहां अमंगल की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। उनका नाम ही मंगलकारी है। और ऐसा भी हमारे रामायण में, रामचरितमानस में कि चौपाइयों में कहा गया है, नाम जपत मंगल दिस दशहु, उनका नाम लेने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। इसलिए कोई अमंगल होना वैसे भी संभव नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, हम सब की जो मंशा थी कि समाज में एक एक रास्ता आवे, समाज में सामंजस्य आवे, उस भावना से रामचरित